देख लीजिए, ये कांच का मशीन है, ये कांच का मशीन है, इसको हम सेट करना सिखाएंगे। और ये कांच मशीन जो है ना, ज़्यादातर लोगों के पास ख़राब हो जाता है, तो ये ख़राब नहीं होगा, उसके लिए हम बताएंगे वीडियो का लास्ट में बताएंगे कि ख़राब कैसे नहीं होगा, कैसे इस्तेमाल करोगे कि ख़राब नहीं होगा आपका कभी भी, ठीक है। ये हमारा 7-8 साल का ये कांच मशीन है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल सही चलता है, ठीक है। पहले तो आपको सेटिंग के बारे में बताएंगे इसका, उसके बाद में कांच के बारे में बताएंगे, उसके बाद में आपको मशीन कैसे ख़राब नहीं होगा उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम आपको सेटिंग के बारे में बता देते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये जो नट है, ये दो नट दिया है, ठीक है, ये दोनों नट इसके अंदर सेट होगा, इधर दिखा, इसके अंदर सेट होगा। ये चाप खोल करके, चाप को खोल करके इसके अंदर ये वाला सेट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सेट होगा, यहाँ से कस दिया जाएगा। और ये जो दिया है ना इसका, ठीक है, ये आपका इस जगह पे सेट होगा, देख लो, इस पे सेट होगा, इस वाले पे, इस वाले पे इसको उठा करके रख देंगे, दिखा दे, इसको उठा के इसके इस वाले पे रख देंगे, दिखा दे, इस पे रख देंगे ऊपर में, ठीक है, ऐसे सेट होगा। और इतना, और आपको इसके बारे में बता देते हैं, ये जो है ना, ये वाला, ये तो आपका, ये जो टाका है ना, ये टाका जो चलता है ऐसे ऐसे, ठीक है, इस टाइप से जो टाका चलता है, ठीक है, इसका दूरी का बताएगा, ठीक है, इसका दूरी कम बेस करने का है, ठीक है। और ये जो है ना, इसको दिखाओ, ये जो है, इसको आगे पीछे करने से लूज करके थोड़ा सा पीछे कर देंगे या आगे कर देंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा इसका गैपिंग का है, जो बीच में गैपिंग होता है ना कांच का, कांच का जो बीच में गैपिंग होता है, ये गैप है, इसके लिए ये वाला होता है, ठीक है। और तीसरा चीज़ आपको बता देते हैं इसी कांच के बारे में, ये एक नट है इसके ऊपर, ठीक है, इसको टाइट करेंगे, ये लूज टाइट करने का है, ये सब घुमा के आपको दिखा देते हैं, ये जो नट है ये लूज टाइट करने के लिए है, ठीक है, ये लूज टाइट होता है, ये नट किस काम के लिए है, जैसे ये जो चाल होता है ना, जो ये लंबाई का चाल, ये जो लंबाई का चाल है, इसका मतलब चाल स्पीड करने के लिए और कम करने के लिए, मतलब छोटे छोटे टाका चलेगा अगर इसको टाइट कर देंगे तो, इसको टाइट कर देंगे तो छोटे छोटे टाका चलेगा, और थोड़ा लूज कर देंगे तो बड़ा बड़ा टाका चलेगा, ये ऐसे स्पीड का, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद में आपको बताते हैं, काज अगर छोटा करना हो या बड़ा करना हो, काज को छोटा बड़ा करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले नट को ना, थोड़ा दूर से दिखा पहले, ये जो काज है ना, ये काज को छोटा बड़ा करने के लिए ये वाला होता है नट, नज़दीक इसको लूज करके थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ऊपर उठा देंगे तो ये क्या होगा, काज छोटा हो जाएगा, और नीचे में रखेंगे तो काज बड़ा होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। और वीडियो पे हमारे नए देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आपको काज बना के दिखाते हैं, इस पे हम काज बना के आपको दिखाएंगे, देख लीजिए काज किस तरह से बनेगा। सबसे पहले इसको ऐसे डाल लेते हैं, ठीक है, ऐसे डाल लिए, अब ऐसे चलाएंगे हम, ठीक है, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको अच्छी तरह से, ये हमारा इस तरह से इस मशीन से काज बनेगा, ठीक है। दो बार चला लीजिए इसको, क्योंकि दो बार चला लीजिएगा तो बिल्कुल मजबूती से बनेगा आपका काज। ये हमने दो बार चला लिया, ये हमारा काज बन के तैयार हो गया है। एक और आपको बना के दिखा देते हैं, इसको ऐसे डालिए, मान लीजिए यहाँ पे हमें काज बनाना है, यहाँ पे डाल लेंगे और ऐसे चलाएंगे, ठीक है, ये एक बार हमारा चल चुका है, ये दूसरी बार हमारा चल रहा है, तीसरी बार हमने ये चला लिया, ये काज हमारा बनके तैयार हो गया है।
आपको मैं पैंट पे बना के दिखाता हूँ। अभी ये वाला जो है थोड़ा नजदीक से, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, कहाँ से हमारा काज बनना स्टार्ट होगा उसके लिए, ठीक है। अभी ये हमारा इधर से स्टार्ट होगा, इधर में बन के आएगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारा काज बनाना है इसमें, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर में बन के आएगा, ठीक है। अभी जैसे कि ये रख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब आपको आइडिया लगा लेना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक बन के आएगा, ये ऐसे बन के जाएगा। ज़्यादा अच्छा अगर आपको बनाना है तो तीन बार चला दीजिए, दो बार के बजाय तीन बार चलाइए, ज़्यादा बढ़िया काज बनाना है तो। ये हमारा देख लीजिए कितना बढ़िया काज बना है, ये देख लीजिए काज बन गया है। अब इसको हम पहले धागा को कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा धागा कटिंग हो गया है, अब इस टाइप से इस काज मशीन के साथ में आएगा, उससे उसकी मदद से आप इस टाइप से काज को काट दीजिए। ये आपका काज बन गया है, ठीक है। काज बन के रेडी हो गया। छोटा बड़ा करना हो काज को तो इस जगह से नट को खोल करके ऊपर में करोगे तो काज छोटा होगा, और नीचे में करोगे तो बड़ा होगा काज, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं वीडियो में पहले ही। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट आपको बात बता देते हैं, इसमें क्या गलती होता है सब लोगों का, वो अब बात समझ लीजिए। मेन समझने वाला बात ये है तो छोटा बात, लेकिन समझ में नहीं आता है लोगों को, इसके वजह से ये काज मशीन उनका बर्बाद हो जाता है। इसके अंदर हमेशा तेल ज़रूर डालिएगा, ठीक है, ऑयल ज़रूर डालना है। उसके बाद में ये प्लेट जो है ना, ये प्लेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए ये प्लेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्लेट नहीं रहने के कारण इसका जो दांत होता है ना, इसका ये दांत को कपड़ा खींच लेता है इधर उधर, इसके वजह से आपका काज सही नहीं बन पाता है। तो इसके ऊपर प्लेट होना ज़रूरी है। अगर प्लेट नहीं दिया है आपको, मशीन खरीदने में प्लेट नहीं मिला है, तो आप ज़रूर से इसका दांत खोल दीजिएगा, दांत खोल करके हटा दीजिएगा, फिर जाकर के इसको इस्तेमाल कीजिएगा, आपका ये मशीन कभी ख़राब नहीं चलेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपको ऐसा मशीन ख़रीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से ख़रीद भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा मशीन या मार्केट से आपको मिल जाता है तो बेहतर है, मार्केट से आप ख़रीद लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।